लॉकडाउन में हम सब परिवार एक साथ रह रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है। घर में रहने से कुछ नया खाना बनाए, ये सभी लेडीज़ सोचते हैं। हम लोग कई वैरायटी का खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए। इसी दौरान रिफाइन का बहुत सा डब्बा खाली हो गया है, घर में रह के इस डब्बा से कुछ नया बनाएं। नमस्कार, मैं चंद्रकला अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस रिफाइन के डब्बे का यूज़ करना बताऊँगी। मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, बहुत ही यूज़फुल होगा। ये देखिए, ये रिफाइन का डब्बा है, मेरे किचन में खाली पड़ा था। इसको कटिंग कर मैं इस तरह, यहाँ आप देख रहे होंगे जो मैं प्लांट लगाई हूँ, इस तरह का अट्रैक्टिव प्लांटर मैं बना दूँगी इसको। आप इसमें पूजा के लिए तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं, या शमी का प्लांट जिसे हम लोग पूजा करते हैं उसे आप लगा सकते हैं। सबसे पहले इस रिफाइन के डब्बे को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जो भी अपना पेपर लगा इसे आप साफ़ कर लीजिए, या पूरा इसमें तेल वेल लगा है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले ये रिफाइन के डब्बे को, यहाँ जो भी आपका प्लास्टिक या पेपर लगा हुआ है उसे साफ़ कर लेती हूँ। उस साफ़ करने के बाद इस प्लास्टिक के डब्बे पर जिस तरह का भी कटिंग, जो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक निशान लगा रखी हूँ, इस निशान पर आप कोई भी सीज़र या कटर से काट लें। इसका प्लास्टिक हार्ड होता है, इसलिए आप हाथ बचाकर काटें। यदि आपके पास तेज़ कटर है तो उसे आराम से निशान पर चलाएं। कटने के बाद ये इस प्रकार का प्लांटर पॉट हो जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया। इसको मैं सादा भी रख सकते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे कि इस रिफाइन के प्लांटर पॉट को मैं रेड कलर से पेंट कर दी हूँ। आप इसे कोई भी कलर से पेंट कर सकते हैं, और पेंट करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इस पर आप कोई भी फेस एक्सप्रेशन बना सकते हैं, या जो आपको पसंद हो उसे आप बना सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रेड और वाइट कलर का यूज़ किया है। ये एक और कटिंग है मेरे पास, इसमें मैं पेंट नहीं की हूँ, इसको मैं प्लेन ही रखी हूँ। इसमें मैं आपको तुलसी का प्लांट लगा कर दिखाती हूँ। इसमें आप कोई भी तुलसी का पेड़ या शमी का पेड़ लगा सकते हैं। इसमें मैं मिट्टी पहले से ही डाल कर रखी हूँ, और ये प्लांट लगाने के बाद बिल्कुल रेडी हो गया आपके पूजा करने के लिए। आप इधर देख पा रहे होंगे कि मैं इसी तरह के रिफाइन के डब्बे में और बहुत सारे प्लांट को लगाई हूँ। कुछ शो प्लांट हैं, कुछ फ्लावर वाले हैं। तो इस तरह आप रिफाइन के डब्बे में बहुत सारा प्लांट लगा सकते हैं। आपको जो प्लांट पसंद हो वही लगाएं। यदि आप प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं तो इस डब्बे का दूसरा यूज भी मैं बताती हूँ। इस डब्बे, रिफाइन के डब्बे को आप इसी तरह जिस तरह मैं कटिंग करना बताई हूँ उस तरह आप काट लें। काटने के बाद इसमें गार्डन में यूज़ होने वाले जितने भी टूल्स हैं आप देख पा रहे होंगे, मैं उस टूल्स को इसमें रख कर और एक इसका और भी यूज़ करती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस रिफाइन के डब्बे से मैं कितने प्रकार से इसे यूज करी हूँ। गार्डन के टूल्स को रखी हूँ, प्लांट लगाई हूँ, और अभी आपको मैंने ये तुलसी लगा कर दिखाया जिसे आप पूजा करने में यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।